और वहाँ विकास के बारे में बताया था, ठीक है। मैंने बताया था वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या बोला, प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा ये है आपकी, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के कितने भेद हैं, प्राकृत भाषा के पांच भेद हैं। प्राकृत भाषा के भेद इसके हैं पांच, इसके भेद कितने हैं, पांच भेद हैं, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के हमने कितने बनाए, इसके हमने पांच भेद। पहली बात इसमें क्या है, सौर सेनी, क्या है इसमें, सौर सेनी, सौर सेनी। क्योंकि हिंदी भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ है, सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। ये हो गया नंबर वन। उसके बाद है सौर सेनी के बाद है मागधी, सौरसेनी की बात क्या है, मागधी। प्राकृत भाषा के महाभेद में नंबर वन सौरसेनी, नंबर दो मागधी, मागधी की बात क्या है नंबर तीन अर्धमागधी, ठीक है। अर्धमागधी, अर्ध अर्धमागधी, अर्धमागधी की बात क्या है, महाराष्ट्री, 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 महाराष्ट्री की बात क्या है, पैसाची। नंबर पांच पे क्या है इसमें, पैसाची। नंबर चार और नंबर पांच पे है पैसाची,